हाँ आज का हेडिंग लिखिए, नंबर ऑफ फीमेल। ये हमारा कौन सा पनेल मिरर का ही है, ठीक है। तो पनेल मिरर का हेडिंग जो है उसी में आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो इसमें जो पहला जो है अप्लीकेशन है नंबर ऑफ इमेज फाउंड बाय पनेल मिरर व्हेन दे आर प्लेस बिट सम एंगल। अगर उसको किसी एंगल से अगर हम दो को प्लेन मिरर को अगर हम रखते हैं तो दोनों के बीच में कितना इमेज फॉर्म करेगा, ठीक है। तो कितना इमेज फॉर्म करेगा उसके लिए जो है बहुत जगह जाइएगा ना, बहुत लेक्चर देखिएगा तो बहुत ट्रिक बताएगा, कोई जो है कंसेप्ट बताएगा, और हम जो है आपको सिर्फ क्या कहते हैं इसका ब्रह्म अस्त्र बताते हैं, ठीक है। ब्रह्मास्त्र के सामने ना हर चीज फेल, तो कहीं भी जाएगा तो बहुत सारा केस बना के दिखाएगा, केस बनाने के बाद बताएगा कि नंबर ऑफ इमेज कितना फॉर्म करेगा। तो सबसे पहला जो है जो जिसको बनता है ब्रह्मास्त्र, तो इसमें पहले लिखेंगे कि इमेज हमेशा ऑड बनेगा, एक्सेप्ट ऑफ डेसिमल केस। डेसिमल केस को छोड़ करके बाकी जितना भी केसेस में है वो उसमें हम हमेशा ऑड बनेगा, ओके। तो देखो अगर हमारे पास एक पनेल मिरर ऐसा है और एक मिरर ऐसा है, ठीक है, और दोनों को हम दो किसी एंगल पे रख दिए, ठीक है, और वो एंगल हम रखते हैं वो थीटा। तो इसमें क्या निकालेंगे हम एन, एन का मान कितना होता है 360 बाय थीटा, ठीक है। तो अगर इसका मान आता है ऑड, इसका मान कितना आता है ऑड और इसका मान आता है इवन, ठीक है। अगर ऑड आता है तो इमेज हमारा कितना बनेगा ऑड में, और अगर हमारा इवन होगा तो भी हमारा इमेज कितना बनेगा ऑड में, मतलब कि एन माइनस वन। और अगर इसका मान डेसिमल में आएगा तब इसका मान क्या होगा, रिमूव डेसिमल। यहाँ तक दिक्कत? तो जनरली जो होता है कुछ भी पूछेगा तो इसमें हमको यही जो आंख मार के मारना है, और ये हमेशा हमेशा मतलब 99% टाइम सही होगा। हाँ अब कहाँ पे सही नहीं होगा, मैंने क्या बोला 99%, 100% क्यों नहीं बोला, 100% तो बोल सकते थे देखने के लिए, लेकिन मैंने 100% इसलिए नहीं बोला क्योंकि इसका भी कुछ मेरिट और डिमेरिट है। तो जनरली जितना भी पढ़ते हैं ना कि जो हम ऑब्जेक्ट जो रखते हैं ना अज्यूम करते हैं वो एसिमेट्रिकल रखा हुआ है, ओके। हम लोग जनरली अज्यूम करते हैं कि जो जो आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है मिरर के बीच में वो क्या आपका एसिमेट्रिकल है। हाँ अगर स्पेशल केसेस आएगा कि हम इमेज को ऑब्जेक्ट को जो रखे हैं वो सिमेट्री में रखे हैं, मतलब कि दोनों के बीच में रखे हैं, तब हमारी केसेस थोड़ी चेंज होगी, ओके। ऐसा कुछ होता है तो हमारा जो होता है उसका कुछ चेंज होगा, अदरवाइज ये चेंज नहीं होगा। ओके
तो हम बात करते हैं कि अगर हमारा थीटा का मान होगा 60 डिग्री तो आपको बताना है कि इमेज कितना फॉर्म होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखो फाइंड इमेज फॉर्म, फाइंड नंबर ऑफ इमेज फॉर्म। अगर थीटा का मान 60 डिग्री होगा तो हमारा कितना इमेज फॉर्म करेगा आप बताइए। एन इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाय 60, इसका मान कितना होगा 36। तो नंबर ऑफ इमेज कितना बनेगा हमारा, ये हमारा इवन है तो 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 होगा। ओके तो उसी प्रकार से अगर हमारा थीटा का मान 30 डिग्री होगा तो बताओ नंबर ऑफ इमेज कितना बनेगा 360 बाई 30, तो हमारा कितना होगा यहाँ पे थ्री सिक्सटी बाई थीटा और इसका मान कितना होगा हमारा 3 × 3 = 12 आया। तो इमेज कितना फॉर्म होगा हमारा 11। अच्छा और थीटा का मान 72 डिग्री होगा, थीटा का मान 72 डिग्री है तो नंबर ऑफ इमेज कितना फॉर्म होगा, थीटा का मान 72 डिग्री होगा तो नंबर ऑफ इमेज फॉर्म कितना होगा। से भागा देंगे तो हमारा मान कितना आएगा 5। तो नंबर ऑफ इमेज कितना बनेगा, इतना ही बनेगा। अच्छा अगर हमारा मान इसका कितना होता है थीटा का मान 40 डिग्री होगा, अगर थीटा का मान 40 डिग्री होगा तो नंबर ऑफ इमेज कितना बनेगा 360 बाय 40 कितना हुआ 9। तो नंबर ऑफ इमेज कितना बनेगा 9 बनेगा। ठीक है अगर हमारा थीटा का मान होगा 80 डिग्री तो नंबर ऑफ इमेज कितना बनेगा हमारा, अगर थीटा का मान हो गया 80 डिग्री नंबर ऑफ इमेज कितना बनेगा 360 बाई 80, तो हमारा मान कितना आ गया 4.5। तो 0.5 मतलब आधा इमेज कैसे बनेगा, बनेगा तो पूरा बनेगा। तो हमारा नंबर ऑफ इमेज यहाँ पे कितना बनेगा, यहाँ पे इसमें डेसिमल को हटा देना है, यहाँ पे हमारा इवन इमेज बन सकता है, कोई दिक्कत। उसी प्रकार से हमारे पास कोई अगर थीटा का मान दिया होगा, थीटा का मान दिया होगा हमारे पास 58 डिग्री, 58 डिग्री है तो नंबर ऑफ इमेज कितना बनेगा यहाँ पे, और थीटा का मान 58 डिग्री है नंबर ऑफ इमेज कितना बनेगा 360 बाई 58। तो 360 बाई 58 रहेंगे कितना होगा 6.206 ऐसा कुछ आएगा। तो इसमें क्या करेंगे
सीधे डेसिमल को हटा देंगे तो हमारा इमेज कितना बनेगा, 6 बनेगा। ओके तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा। तो सीधा सीधी हमको ये देखना है कि 360 पर थीटा करेंगे, उसके बाद दो नंबर ऑफ इमेज जितना बनेगा तो हमेशा ऑड बनेगा, इवन तभी बनेगा तब डेसिमल का केस आएगा, अदरवाइज नहीं होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो देखो अगर जो है ये क्या है, ये आपका दीवार है, ये आपका छत है और ये आपका जमीन है। ओके छत, जमीन और दीवार, इसमें जो है हम सब जगह मिरर लगा दिए हैं, सब जगह हमने मिरर लगा दिया है। ओके तो अब पूछे कि नंबर ऑफ इमेज कितना फॉर्म करेगा, तो नंबर ऑफ इमेज फॉर्म करने का कितना तरीका है, मतलब कितना नंबर ऑफ इमेज फॉर्म करेगा, तब इसके नीचे क्या करेंगे, तो सबसे पहले पेयर बनाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास कितना पेयर है, ये एक पेयर हुआ, ये दो पेयर हुआ और ये तीन पेयर हुआ। ओके हमारे टीचर ने बताया था रे डायग्राम से, ओके कि इस तरह से करेंगे तो इतना इमेज बनेगा, लेकिन एग्जाम में रे डायग्राम कौन बनाना चाहता है। तो सबसे पहले कॉम्बिनेशन ऑफ वन एंड टू लेते हैं और फिर टू एंड थ्री लेंगे, मतलब वन एंड टू लेंगे तो हमारे दोनों के बीच में कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। यहाँ पे कितना होगा 360/90, कितना हुआ 4 हुआ, तो इमेज कितना बनना चाहिए 3। उसी प्रकार से जब हम 2 एंड 3 को लेंगे, जब 2 एंड 3 को लेंगे तो 360/90 तो हमारा कितना आएगा इसका मान 4, और नंबर ऑफ इमेज कितना बनेगा 3। और जब हम 1 एंड 3 को लेंगे तो हमारा कितना होगा 360/180, और 180 कितना हो गया 2 हो गया, नंबर ऑफ इमेज कितना बनेगा 1 बनेगा। ओके तो हमारा पूरा नंबर ऑफ इमेज कितना हो गया, 3 इमेज यहाँ, 3 इमेज यहाँ और 1 इमेज यहाँ, तो पूरा कितना इमेज बना। तो यही आएगा, तो यही क्वेश्चन आएगा, किसी बुक में देखिएगा आपका जो एनसीईआरटी फिंगर टिप हो चाहे एन का मॉड्यूल हो, तो ये क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, और ये फेमस क्वेश्चन ये हर जगह रहता है, सारे बुक में रहता है। तो इसमें नंबर ऑफ इमेज कितना बन गया, 60 इमेज बन गया इसमें। अगर ऐसा कुछ होगा कि हम अपने दीवार को भी मिरर कर दिए, हमने छत को मिरर कर दिया और हमने जमीन को मिरर कर दिया, तो बताओ टोटल नंबर ऑफ इमेज कितना बनेगा। ये चीज समझ में आया कि नहीं आया, तो नंबर ऑफ इमेज का कोई कंसेप्ट आएगा तो बनेगा कि नहीं बनेगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि सब ऊपर से उड़ रहा है। अब देखो तो हमने अभी तक जितना ही पढ़ा बुक सब क्या पढ़ा, एसिमेट्रिकल, और जनरली जो क्वेश्चन पूछता है एसिमेट्रिकल का ही पूछता है, लेकिन अगर स्पेशल केस दे देगा 50% समझ आ रहा है, क्यों कहां समझ में नहीं आ रहा वो बताइए, कहां समझ में नहीं आ रहा है ऑप्टिक्स में, कहां समझ नहीं आ रहा, कहीं कन का टॉपिक कन कुछ नहीं पढ़ाया था, कन को छोड़ दिया, आज के टॉपिक में क्या दिक्कत हो रहा है। अगर इसका मान दो, अगर ये सिमिट्रिकल रखा हुआ, कोई बॉडी का सिमिट्रिकल रखा हुआ होगा, ठीक है, और अगर हमारा एन का मान ऑड आ जाए और ये थीटा होगा, अगर एन का मान ऑड आ जाएगा तो अभी जो हमारा जो इमेज बनेगा वो कितना बनेगा, एन माइनस वन। ओके ये सिर्फ सिमिट्रिकल के केसेस में होगा, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा, और जनरली तो कुछ
कहां सब किस क्वेश्चन में समझ में आया? नंबर ऑफ इमेज निकालना बताया है, इसमें क्या दिक्कत है? 360 पर थीटा करेंगे, अगर हमारा एन का मान अगर ऑड है तो सही है, इवन है तो एक से एक से घटा देंगे, कंड पर आई नहीं है, कंड पर आई नहीं है, कंड छोड़ दिए, कंड का बनता ही है, कंड पर आई नहीं है, कर्म पर आज बताएंगे ना। ओके आज आज उनको दिक्कत है ना, कर्ण छोड़ दिया, कंटो छोड़ दिया, कर्ण नेटवर्क इशू आ रहा है, छोड़ छोड़ दिए, आज मेरे को दिक्कत है ना। अब ओके अब जैसे क्या आपका कैमरा में एक होता है बैक कैमरा, एक होता है फ्रंट कैमरा, तो बैक कैमरा से जब कोई भी फोटो खींचते हैं आपका राइट का राइट और लेफ्ट का लेफ्ट दिखता है, लेकिन उसको जब फ्रंट कैमरा से खींचते हैं दो सेल्फी लेते हैं तो उसमें क्या होता है राइट का लेफ्ट और लेफ्ट का राइट हो जाता है। तो ये कभी गौर किए हैं फ्रंट कैमरा में और बैक कैमरा में, एक कभी गौर किए हैं कि राइट का लेफ्ट हो जाता है लेफ्ट का राइट हो जाता है? कभी तो जैसे आपके घर, आपके घर में अगर कोई एनालॉग घड़ी हो, मतलब किसी जिसमें की 12, 6, 3, 2, 1 अपना जो सिस्टम हो, डिस्टेंस क्लॉक के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, डिस्टेंस क्लॉक में तो सब लिखा जाता है ना। तो अगर उसमें जो है अगर टाइमिंग, यहाँ पे देखो देखो ये 12, 6, 3 और 9, 12, 6, 3, 9 ये हम बांटे चार क्वाड्रेंट में और ये हुआ हमारा मिरर, ठीक है? तो देखो अगर हमारा छोटका सुई यहाँ पे होगा, देखो छोटका सुई यहाँ पे होगा और हमारा जो बड़का सुई है यहाँ पे होगा, तो इसको क्या बोलते हैं? अगर छोटका सुई 3 पे हो और बड़का सुई 12 पे हो तो इसको क्या बोलेंगे? कितना बचा हमारे पास? 300 हुआ कि नहीं हुआ? ये 12, 3, 6, 9 अब यही चीज अगर मिरर में दिखेगा तो कैसा दिखेगा? अगर आपके पास ऐसा घर हो जिसमें 1, 2, 3 नहीं लिखा हुआ होगा, 1, 2, 3 लिखा हुआ तो पहचान जाएगा, 1, 2, 3 ना बहुत स्टैंडर्ड घर जो नहीं होता है वो उसमें 1, 2, 3 नहीं लिखता, उसमें खाली पहिया पहिया मार के ना छोड़ देता है वो। ओके तो अब देखो अब क्या करेंगे, देखो ये 3 नजदीक में है, यहाँ पे भी 4 भाग में बांट देते हैं। तो ये देखो छोटका सुई नजदीक में है, तो छोटका सुई नजदीक में है, बड़का सुई कहाँ पे है? बड़का सुई यहाँ पे है, तो बड़का सुई यहाँ पे जब आपको ऑप्टिकल एसएमआर पर पढ़ाए थे फिजिक्स में, मतलब 2 दिन पहले, तब उसमें क्या बताए थे? जो नजदीक में तो नजदीक में हो गया, जो दूर में तो दूर में हो गया, जिस टाइप का ये कितना बढ़ गया आपका? ये हमारा बता 3 o'clock हमारा घड़ी में, तो मिरर में कितना बजा है? 9 o'clock हुआ कि नहीं हुआ? ये तो एट ये ना 12, 3, 6 और 9 तो हमारा कितना बजा? अगर हमारे घड़ी में बजेगा 3 तो मिरर का घड़ी में बजेगा 9, समझे? ये चीज तो कल भी नहीं बताया था, तो नेटवर्क इशू आ रहा था। तो इतना सारा पिक्टोरियल डायग्राम ये आसान था तो हमने बना दिया, ओके लेकिन अगर डिफिकल्ट हो तो एग्जाम में कैसे बनाएंगे? एग्जाम में पिक्टोरियल मेथड से तो क्वेश्चन बनेगा नहीं ना, वो तो सिर्फ दिखाने के लिए सुंदर लगेगा, बोर्ड एग्जाम में बना सकते हैं उसको, और बोर्ड एग्जाम में बनाना होगा तो बोर्ड एग्जाम में तो हम अच्छा अच्छा फोटो बना के दिखाएंगे मास्टर जी से कि अच्छा बच्चा पढ़ने वाला, लेकिन कम्पिटेटिव एग्जाम में तो हमें चाहिए क्या करते हैं कि बेस्ट ऐसा टुक्का मारे कि क्वेश्चन फटाफट बने। तो देखो इसमें क्या करेंगे, तो एक घड़ी में पूरा कितना बजता है? 12 बजता है, एक बार में 12 बजेगा, तो 12 को 12 घंटे को क्या लिख सकते हैं? 11 घंटा 60 मिनट। तो हमारा कितना बजा? 3 बजा है, ओके पक्का पक्के 3 बजा है, पक्का पक्के जब 3 बजा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसको सीधे घटा देंगे, उसको सीधे 12 में से 3 घटा देंगे, तो 12 में से 3 कितना हुआ?
और हमारा 9 बजा कि नहीं बजा, घड़ी में 9 बजा नहीं बजा था। उसी प्रकार से ये हमारा था क्या, नॉर्मल बहुत सिंपल दिए थे एग्जाम, इतना सिंपल थोड़ी पूछेगा एग्जाम में, दे देगा आपको कि अगर 3:45 हुआ है तो बताइए घड़ी में टाइम कितना, ये घड़ी का टाइम है तो मिरर का घड़ी में कितना टाइम होगा, तो मिरर के घड़ी में कितना टाइम होगा, उसके लिए क्या करेंगे 11:60 को 3:45 से घटा देंगे, हमारा वैल्यू कितना आ गया, 10 में से 5 गया 5, अब 5 में से 4 गया 1, और ये कितना हुआ 11 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 1, 8:15। ये समझ आया कि नहीं, अगर 11:60 हुआ होगा तो उसको 8:15 हो गया हमारा, सॉरी 3:45 हुआ तो 8:15 हो गया। उसी प्रकार से अगर कोई भी टाइम दिया होगा हमारे पास, अगर हमारे पास दिया रहेगा 60:15, 60:15 अगर घड़ी में है तो आपका मिरर घड़ी में कितना टाइम बचेगा होगा, जो मिरर में जो घड़ी है उसमें कितना होगा, तो क्या करेंगे 11:60 को 7:15 से घटा देंगे, सिंपल सा हमारा सीधे एक और आंसर आएगा, 10 में से 5 गया 5 और 5 में से 1 गया 4 और 11 में से 60 गया 2 4, 4:45। ओके, तो जिस तरह से मिनट में है, अगर वो कोई घड़ी में सेकंड भी रहे तो सेकंड भी टूटा ना, सेकंड का सुइया भी होता है, मिनट का सुइया होता है, घंटा का सुइया होता है, तीनों सुइया होता है उसमें, तो अगर उसमें रहेगा आपके पास 60:35 50 सेकंड, 60:35 50 सेकंड, तो इसको कैसे करेंगे, सिंपल सा बहुत, जैसे पीछे को किए थे 11:59 60 सेकंड, इसको घटा देंगे 60:35 50 सेकंड, घटा देंगे इसको सिंपल सा, तो हमारा वैल्यू कितना आएगा, 60 में से 50 गया 10, 9 में से 5 गया 4, अब 5 में से 3 गया 2 और 11 में से 60 गया 2 4, 4:24 10 सेकंड, तो ये तो घड़ी वाला जो क्वेश्चन है ये बन जाएगा हमारा, बन जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, ओके अब नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, ऑब्जेक्ट एंड इमेज वेलोसिटी, सब प्रिंट मीडिया का टॉपिक है, ठीक है। अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट जो होता है ऊपर जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, तब इसका जो इमेज जाएगा वो कितना स्पीड से जाएगा, अगर ऑब्जेक्ट जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना होगा आपका, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, यहाँ वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू अर्थ कितना होगा आपका, 2 मीटर पर सेकंड, इसमें दिमाग नहीं लगाना है। अगर कोई भी मिरर है और मिरर के सामने आप ऊपर में लेके जा रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो कितना जितना स्पीड से लेके जाएगा ऊपर से, जितना स्पीड से लेके जाएगा नीचे उतना स्पीड से जाएगा, ओके। तो लॉन्गी तो मिरर के परपेंडिकुलर में आप जिस वेलोसिटी चाहिएगा इमेज का वेलोसिटी भी उतना ही होगा, समझे कि नहीं समझे, ये बात समझा कि नहीं है।
तो इसमें दिमाग नहीं लगाना है। ओके, यहाँ पे अगर लिखना होगा तो सिंपल लिखिएगा, इफ ऑब्जेक्ट मूव परपेंडिकुलर टू मिरर देन ऑब्जेक्ट एंड इमेज वेलोसिटी इज सेम। ओके, अब बात करते हैं दूसरे टाइप का। अब ये परपेंडिकुलर मूव किया तो ये हॉरिजॉन्टल भी मूव कर सकता है। तो ये हुआ हमारा ऑब्जेक्ट, ये हुआ हमारा इमेज। ओके, अगर ये हमारा कितना वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, और फिर ये क्या होगा वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। अगर आप मिरर से दूर जाते हैं तो आपका जो इमेज बनता है वो दूर में बनता है, अगर आप प्लेन मिरर के नजदीक में जाइएगा तो इमेज आपका जो है नजदीक में बनता है। अगर आपने अपना हाथ ऊपर कीजिएगा तो मिरर में भी हाथ ऊपर करेगा। जैसे कि एक एक कुत्ता नहीं था जो कि अपना हड्डी को देखा था, और क्या कहते हैं किसी तालाब में देखा था तो वो भौंकता था तो उसका जो परछाई भी भौंकता था। ओके, तो जिस तरह से भौंक करता था उस तरह से हमारा जो परछाई भी करेगा, मतलब हमारा ईमेल भी करेगा। वो मेरा कहानी सुनने की नहीं सुने कि नालतपुरी बना है तो दो हड्डी के चक्कर में उसको एक हड्डी नहीं मिला। बिल्कुल, अगर आप मिरर के सामने जाइएगा, नजदीक में जाइएगा तो इमेज भी नजदीक में आएगा। तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर वो आपका कितना होगा, नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। समझे कि नहीं समझे? तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर कितना हुआ, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर का नेगेटिव। अगर वो एक सेक्शन जाएगा तो वो माइनस एक्स में जाएगा, कोई दिक्कत? तो हम अभी भी वेक्टर पढ़ रहे थे, वेक्टर में क्या पढ़े हैं, वेलोसिटी ऑफ ए रिस्पेक्ट टू बी को क्या लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। तो वेक्टर स्टार्ट करके हमने सही काम किया, क्योंकि पता है कि वेक्टर पढ़े हैं, लेकिन जब तक बरासत नहीं होगा याद थोड़ी आता है। ये हमको पता है ना कि वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, तो यहाँ भी हम वही चीज करेंगे। तो वेक्टर एक ऐसा चीज है तो कहीं पीछा छोड़ते नहीं है, लड़की छोड़ देगी तो छोड़ देगी लेकिन वेक्टर नहीं छोड़ेगा। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। ओके, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। उसी प्रकार से नेगेटिव ऑफ द वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू अर्थ माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। ओके, लिख सकते हैं इसको। अब हमारा मान कितना होगा, माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू अर्थ प्लस वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। ये कितना क्या, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं? तो जो सारे पोर्शन को एक तरफ कर दीजिए, तो नेगेटिव ना पोर्शन को इधर निकलते नहीं है, इसका नेगेटिव ना पोर्शन इधर निकलते नहीं है, आपका कितना हो गया वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ कितना हो गया आपका प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू अर्थ इज इक्वल टू टू ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ आपका कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू अर्थ डिवाइडेड बाय टू। तो ए पोर्शन समझ में आ गया नहीं आपको, क्वेश्चन ये चीज समझ में आ गया नहीं?
एक प्रोसेस सब समझा गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही दिए अगर आपका जो है ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और मिरर का भी वेलोसिटी दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड, तो आपका इमेज का वेलोसिटी कितना होगा बताओ जरा। ऑब्जेक्ट का दिया हुआ 2 मीटर पर सेकेंड एक सेक्सिस में, मीर का भी दिया हुआ 4 मीटर पर सेकेंड एक सेक्सिस में, तो इमेज का कितना होगा? अभी पढ़े हैं कि वेलोसिटी ऑफ मीर रिस्पेक्ट टू अर्थ कितना होता है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट रिस्पेक्ट टू अर्थ प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज रिस्पेक्ट टू अर्थ डिवाइड बाय 2। तो मीर रिस्पेक्ट टू अर्थ आपका कितना दिया हुआ है 4i, ऑब्जेक्ट रिस्पेक्ट टू अर्थ कितना दिया हुआ है 2i, इमेज रिस्पेक्ट टू अर्थ कितना हुआ आपका वो चाहिए डिवाइड बाय 2, तो कितना हो गया आपका 4 दुनिया 8, 8 में 2 गया 6, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज रिस्पेक्ट टू अर्थ कितना होगा आपका 6i मीटर पर सेकेंड। ओके उसी प्रकार से आपके पास कोई भी क्वेश्चन रहेगा, एक बार आप कंसेप्ट सीख गए तो उसके बाद बनाना बहुत इजी है ना। अगर इसका वेलोसिटी दिया रहेगा 4 मीटर पर सेकेंड और मिरर का इधर रहेगा 2 मीटर पर सेकेंड, ओके, तो पूछेगा कि इमेज का वेलोसिटी कितना होगा, कितना होगा? सभी को पता है कि वेलोसिटी ऑफ मिरर रिस्पेक्ट टू अर्थ इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट रिस्पेक्ट टू अर्थ प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज रिस्पेक्ट टू अर्थ डिवाइड बाय 2। तो मिरर रिस्पेक्ट टू अर्थ कितना आपका दिया हुआ 4 माइनस i, ऑब्जेक्ट रिस्पेक्ट टू अर्थ कितना दिया हुआ 4i, इमेज रिस्पेक्ट टू अर्थ कितना है वो आपको चाहिए डिवाइड बाय 2, कितना हो गया आपका 4 दुनिया 8, 8 नेगेटिव 8 माइनस i, 4 भी इधर जाएगा तो कितना होगा -4i इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज रिस्पेक्ट टू अर्थ। इसका मान कितना हो गया वेलोसिटी ऑफ इमेज रिस्पेक्ट टू अर्थ कितना होगा आपका 12 माइनस i। ओके ये चीज हमको सर बताए थे, ट्रिक भी बताए थे, ये हमको ट्रिक भी याद होता नहीं है जब तक कंसेप्ट क्लियर ना हो। ओके ट्रिक बताया कि 2 2 गुना कर देंगे 3 गुना कर देंगे, बहुत सारा टीचर बताते हैं लेकिन मेरे दिमाग में अच्छा ही नहीं है, सबका अपना अपना ब्रेन कैपेसिटी होता है। तो आई तो मुझे लगता है कि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा। कंसेप्ट में क्या याद रखना है, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑब्जेक्ट रिस्पेक्ट टू अर्थ सॉरी यूनिवर्सिटी ऑफ ऑब्जेक्ट रिस्पेक्ट टू मिरर इज नेगेटिव ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ इमेज रिस्पेक्ट टू मिरर, ये आपका कौन सा हुआ कंसेप्ट हुआ। अब उसी के बेसिस पे हमारा फॉर्मूला है, तो जब भी फॉर्मूला में भूल जाएगा इंसान तो कंसेप्ट याद रहेगा ना, इसीलिए हमको बायोलॉजी इंसान भूल सकता है लेकिन फिजिक्स नहीं भूल सकता। अच्छा अगर आपके पास रहेगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट रिस्पेक्ट टू अर्थ आपका इसका वैल्यू दिया हुआ है 2y प्लस 3 दे, और वेलोसिटी ऑफ मिरर रिस्पेक्ट टू अर्थ दिया हुआ है आपके पास 4i प्लस 6 दे। ओके तो आपसे पूछेगा कि वेलोसिटी ऑफ इमेज रिस्पेक्ट टू अर्थ कितना होने वाला है। ओके ये क्वेश्चन थोड़ा टफ हो गया, और आपको ये चीज दिया रहेगा कि मिरर इज इन बाई एक्सिस, मिरर जो है आपका बाई एक्सिस में है। हम सिंपल क्वेश्चन उठाए हैं, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं उठाए हैं। देखो अगर ये बाई एक्सिस में है मिरर, तो जो बाई एक्सिस में जो है मिरर का वेलोसिटी कितना भी हो सकता है दिक्कत है। ओके
तो हमारा बाई एक्सिस में जो है मिरर का वेलोसिटी से डिपेंड नहीं करेगा, जितना हमारा ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी होगा उतना ही हमारा इमेज का वेलोसिटी होगा इन द बाई एक्सिस, उसका मान कितना होगा 3d। अब हमारा वो एक्स एक्सिस की बात करते हैं, तो एक्स एक्सिस में जो हमारे पास फॉर्मूला है हम वो फॉर्मूला का यूज करेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ मिरर रिस्पेक्ट टू अर्थ इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट रिस्पेक्ट टू अर्थ माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज रिस्पेक्ट टू अर्थ डिवाइड बाय 2। तो मिरर रिस्पेक्ट टू अर्थ कितना दिया हुआ आपका 4i, ऑब्जेक्ट रिस्पेक्ट टू अर्थ कितना दिया हुआ 2i, और आपका इमेज रिस्पेक्ट टू अर्थ चाहिए डिवाइड बाय 2। आपका मान कितना होगा 4 × 8, 8 में 2 की अच्छी, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज रिस्पेक्ट टू अर्थ कितना हो गया 6i। तो आपका कितना होगा इसका वैल्यू 6i प्लस 3d। ओके, तो एग्जाम में आपको ऐसा ऐसा क्वेश्चन बना के दे देगा, यही देगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा सारा।